लर्नर्स, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड फ्रेजेस को देखते हैं जो कि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे। देखो, सबसे पहला है अ बिग ड्रॉ। इसको क्या कहा जाता है? देखो, जो भी चीज़ है उसको इंग्लिश में लिखा और फिर उसको हिंदी में लिखा, ताकि आपके पास एक अच्छा सा वोकैब तैयार हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये सब का रिविजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और सारा कुछ आपके मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो पहला है अ बिग ड्रॉ, इसको क्या कहा जाता है? टू गेट अटेंशन या फिर टू गेट सक्सेस। मतलब किसी से का जब हम ध्यान खींचना होता है या फिर सफलता पाना होता है, तब हम कहते हैं अ बिग ड्रॉ। ठीक है, किसी का ध्यान पाना या किसी सफलता पाना, वो हम कहते हैं बिग ड्रॉ। नेक्स्ट है अ ब्लैक शीप, इसको कहते हैं अनलकी पर्सन, यानी कि अशुभ व्यक्ति। अशुभ व्यक्ति या अनलकी पर्सन को हम लोग एक आइटम है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक शीप। जबकि शुभ और अशुभ पर्सन ऐसा कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है। मेरी तो सोच ऐसी ही है, बाकी आप लोग की क्या है कमेंट में बताना। फिर नेक्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न। देखो, इसको हरा सिंह नहीं बोलेंगे, ग्रीन हॉर्न को कहते हैं इनएक्सपीरियंस्ड। मतलब वैसे व्यक्ति जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नौसिखिया व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति, इनको हम लोग अ ग्रीन हॉर्न के नाम से, मतलब एक आइडियम है उससे जानते हैं। अगला है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, जो कि कहलाता है अ वीक पर्सन, जो कमजोर आदमी होता है, ए वीक पर्सन, कमजोर आदमी को हम लोग कहेंगे अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, जिसको हम लोग ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार आदमी, तो ईमानदार आदमी या ऑनेस्ट पर्सन को हम लोग फेयर एंड स्क्वायर कहते हैं। ठीक, अगला देखो बाई लीप्स एंड बाउंड को स्पीडली, मतलब जो चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं, दिन दुगनी रात चौगनी जो तरक्की जिसको हम लोग कहते हैं ना, बहुत तेज़ी से जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती है बाई लीप्स एंड बाउंड। इंग्लिश में हम लोग उसको बाई लीप्स एंड बाउंड कहते हैं। अगला देखो कैट्स एंड डॉग्स को हम लोग बिल्ली और कुत्ता नहीं कहते हैं, ये कहलाता है हेवी रेन, यानी कि भारी वर्षा। जब बहुत बहुत भारी वर्षा होती है, हेवी रेन होती है, तो एक आइटम का यूज़ किया जाता है, वो है आपका कैट्स एंड डॉग्स। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, बहुत भारी वर्षा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अ लाइव वायर, जिसको जिंदा तार नहीं बोलते हैं, ये कहलाता है एनर्जेटिक, ऊर्जावान, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो। ठीक है, वो कहलाती है अलाइव वायर। चलो अगला देखते हैं अ शॉट इन द आर्म, जिसको कहेंगे टू इनकरेज, मतलब प्रोत्साहित करना। जब बच्चे को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं या किसी चीज़ को हम लोग इनकरेज करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे अ शॉट इन द आर्म। ठीक है, अगला देखो अ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी नहीं होती है, इसका एक मतलब होता है जो होता है एक्सपेंसिव बट यूजलेस, मतलब महंगा है लेकिन बेकार है। जैसे कभी कभी हम लोग ब्रांड के नाम पर बड़ी बड़ी चीज़ें ले आते हैं और बाद में पता चलता है कोई काम का नहीं, फालतू है ये, तो वही हो गया, महंगा है लेकिन बेकार है, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, अ वाइट एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल आई फॉर एन आई, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, इसको कहते हैं ऑल आई फॉर एन आई। अगला देखो एन आर्म चेयर जॉब, मतलब कि जो गुड इनकम जॉब हो, साथ में कंफर्ट हो, मतलब एक ऐसी नौकरी जो आसान भी हो और अच्छी भी हो, अच्छी आय वाली हो, उसको हम लोग कहते हैं एक आर्म चेयर जॉब। देखो, अच्छा, यहाँ पे आम के पहले एन लगा है, ऑब्वियसली भाई आर्टिकल की वीडियो बनी हुई है, यहाँ पे एक आर्टिकल भी है साथ में, क्योंकि ए एन डी ये वाली चीज़ें होती है ना, इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बनी हुई है, आप लोग प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लेना। तो अगर हम लोग कहेंगे गुड इनकम जॉब है, साथ ही साथ उसमें कम्फर्ट है, तो वो कहलाता है एन आर्म चेयर जॉब। क्लियर है, नेक्स्ट है एन आयरन विल, नाम से हो रहा ना, विल मतलब इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, तो जिसकी आयरन शक्ति बहुत अच्छी होती है, मतलब स्ट्रांग विल पावर, जिसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, वो कोई भी काम को कर सकता है, मतलब जुनून वाली हद से जाकर जो काम कर जाते हैं, वो कहलाती है आपकी एन आयरन विल। ठीक है, अगला है कैरेट एंड स्टिक, गाजर और लकड़ी नहीं, कैरेट एंड स्टिक नहीं, इसका मतलब होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इनाम भी और साथ ही सजा भी, साम दाम दंड भेद। ठीक है, फिर आपका पिन मनी, अगला है पिन मनी क्या होता है, अलाउंस गिवन टू हाउसवाइफ फॉर पर्सनल यूज। अब जो हाउसवाइफ होती है उनको अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे तो चाहिए होंगे ना, तो उनको जब अलाउंस मिलता है, भत्ता मिलता है, उसको कहते हैं हम लोग पिन मनी।
ठीक है। तो ये देखो कुछ आइटम्स एंड फ्रेसेस को आज मैंने कलेक्ट करा। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगी और भी ऐसे आइटम्स एंड फ्रेसेस या और भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या और भी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। और भी ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँगी। और देखो लेंदी नहीं हो इसलिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस ही रख रही हूँ, ताकि आप लोगों का कम टाइम में एक अच्छा मटेरियल रेडी हो जाए। ठीक है, ज़्यादा लेंदी वीडियो करूँगी तो क्या ही फ़ायदा होगा, है ना, सिर्फ आपका टाइम किल होगा। और अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपका टाइम, तो टाइम को किल बिल्कुल नहीं करना। जो बहुत ज़रूरी है पढ़ना, बस उस पर ही फोकस करो, उस पर कंसंट्रेशन करो और बहुत आराम से KVS निकालो। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।